दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश में तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। आज के दिन अगर आप कोई भी कार लेने जाएंगे तो आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने या फिर 1-1 साल की वेटिंग मिलती है। और लोग जब कार परचेज करते हैं तो कार को अपने घर में सदस्य की तरह रखते हैं, और कार खरीदने में जो इन्वेस्ट करते हैं वो तो करते ही करते हैं, कार की केयर में भी इनका इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। और इसी वजह से ना कि सिर्फ कार इंडस्ट्री बल्कि कार केयर इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से किसी तरीके से लिंक्ड हैं या फिर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपकी सीधी मुलाकात करवाने वाला हूं देश की एक जानी मानी कार केयर इंडस्ट्री के फाउंडर एंड डायरेक्टर से, जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप भी इस इंडस्ट्री में अपने लिए भविष्य तलाश सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आज आपको मिलवाने वाला हूं इन्वेंटा कार केयर के फाउंडर एंड डायरेक्टर करण थापर जी से, जिनको 15 साल से ज्यादा का कार डिटेलिंग और कार केयर का अनुभव है, और ये इस कंपनी को पिछले 15 सालों से चला रहे हैं, इनका ग्रुप काफी बड़ा है, और किस तरीके से आप अपने लिए भविष्य तलाश सकते हैं इस इंडस्ट्री में, ये भी आपको बताएंगे। आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं करण थापर जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों से कुछ बताएं कि आपने किस तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत की और आपका बैकग्राउंड क्या है, सर इसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ आप बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण थापर और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं इन्वेंटा कार केयर डिवीजन का, जो इन्वेंटा ग्रुप का एक पार्ट है, और हमारा एक ब्रांड है एक्टिव डिटेलिंग के नाम से, जो हम आगे कार केयर इंडस्ट्री में या कार इंडस्ट्री में किसी को अगर कुछ एडिशनल काम करना है या फिर डिटेलिंग का बिजनेस करना है, एस्टैब्लिश करना है, एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो करना है, तो हम लोगों की उस तरीके से मदद करते हैं। और अपने हम फ्रेंचाइज स्टोर भी चलाते हैं और कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर भी चलाते हैं काफ़ी सारे। और मैं जो इस कार केयर इंडस्ट्री से है वो 2009 से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी ग्रुप कंपनी जो है वो करीब 38 साल से क्लीनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। जो पेरेंट कंपनी है हमारी इन्वेंटा क्लीन टेक, वो क्लीनिंग इंडस्ट्री, प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम और बहुत फेम कमा चुकी है। और सिर्फ कार ही नहीं, उसमें हम बस, ट्रक, ट्रेन, बाइक, इन सब के लिए भी जो क्लीनिंग इक्विपमेंट है बनाते हैं, होटल, मॉल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स, इन सब में हमारे क्लीनिंग इक्विपमेंट आज नहीं कई सालों से जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री जो आपको मैंने बताया इन्वेंटा कार केयर के बारे में बताया, 38 साल पुराना डिवीज़न है, 38 साल पुराना ग्रुप है, और गवर्नमेंट के साथ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। इन्वेंटा कार केयर को शुरुआत करने में आपका क्या मोटिवेटिंग हुक था? तो सर देखिए, कोई भी नई चीज़ बंदा जब करता है तो आई थिंक उसको पैशन ही ड्राइव कर सकता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और लर्निंग पीरियड होता है, लर्निंग कर्व होता है, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बंदा जो है वो अपनी तरफ से टाइम और एफर्ट और मनी लगा रहा है लेकिन उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो हम जो हमने जो 2016 में जब कार केयर इंडस्ट्री शुरू करी थी, तो हमारे को कस्टमर्स को कन्विंस करने में, कस्टमर्स को बताने में कि डिटेलिंग क्यों कराई जाए या फिर सेरामिक कोटिंग क्यों कराई जाए, और अब आज की डेट में जैसे हम चलते चलते हैं तो ट्रेंड बढ़ रहा है, तो पीलेबल पेंट और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की भी ट्रेंड है, जो एक परमानेंट सीलेंट की तरह काम करता है अपनी आपकी गाड़ी के ऊपर और उसको डैमेज, स्क्रैचेस, स्वेल से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखते सीखते सीखी, और चैलेंजेस थे मार्केटिंग में, मैनपावर में, ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे को जो आया था। तो हमने खुद अपनी रिगरस रिसर्च करी, R&D करी, अपने पॉकेट से जो है वो पैसा लगा के हम लोग प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में गया, इंटरनेशनल ऑटो मैकेनिका जैसी बहुत देशों में होती है, जर्मनी में, शंघाई में, चाइना में, तो ऑटो एक्सपो टाइप जो शोज हैं, एग्जीबिशन हैं, इनके अंदर जाके हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, परचेज किया, ट्राई किया, टेस्ट किया, और मैन्युफैक्चरर के साथ हमने लियेज किया उसको, और फिर हमने जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करके हमने इंडिया में लॉन्च किया, और इसी तरीके से हम और प्रोडक्ट भी लॉन्च करते रहते हैं। बिल्कुल, अगला मेरा जो सवाल है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड ही है कि एक्टिव कार डिटेलिंग जो इन्वेंटा केयर आपकी कंपनी है वो लोगों को क्या क्या सर्विसेज देती है या क्या क्या प्रोडक्ट में डील करती है? तो डिटेलिंग जो है वो शुरुआत तो जो हमारा कंज्यूमर भी समझता है वो कार वॉशिंग से होती है। हाँ जी, आप अपनी गाड़ी को एक प्रोफेशनल वॉश कराना चाहते हैं तो वो भी एक डिटेलिंग का पार्ट होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो हम बकेट और क्लॉथ मेथड हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो डिटेलिंग का टोटल विपरीत है मैं बोलूँगा,
क्योंकि उससे जो है वो गाड़ी की केयर कम होती है, बट हाँ डस्ट का आदान प्रदान इधर उधर का ज़्यादा होता है। तो डिटेलिंग में वॉशिंग, जो वॉशिंग एक एक बेसिक वो होता है, और इसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक केमिकल जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, चाहे वो गाड़ी पे खारे पानी के निशान है, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो रस्ट है, चाहे वो ट्रैफिक फिल्म है, डीजल फिल्म है, तो उसको क्लीन आउट करने के लिए, जो नॉर्मल वॉशिंग क्लीनिंग से नहीं होता, उसको क्लीन आउट करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको एस्थेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जो एडवांस ट्रीटमेंट्स आते हैं इसी चीज़ को आगे लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, उसको हम सिरामिक या ग्राफीन कोटिंग बोलते हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी नैनो प्लेटलेट टेक्नोलॉजी है, ये वो ग्राफीन कोटिंग है। और इसके बाद और परमानेंट सील करने के लिए, इनफैक्ट सेल्फ हील करने के लिए, हम जो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं। एक एक इंच गाड़ी का जो पेंट पार्ट होता है, जो OEM पेंट पार्ट होता है, उसको हम बचाने के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक, जैसे आप अपने बॉडी के लिए स्पा कराते हैं, फेशियल कराते हैं, उस तरीके से हम गाड़ी के ये ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके अलावा जो है हम उसको थोड़ा कस्टमाइजेशन, थोड़ा कस्टम कलर्स, थोड़ा सा एडिशन, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन उसका करके कस्टमाइजेशन भी लुक क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग रैप्स और PPF के माध्यम से। जो आपने बताया कार केयर या फिर हम कार वॉशिंग, कार डिटेलिंग की बात करें, तो बहुत सारे ब्रांड इसमें हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी किस तरीके से बाकी कंपनियों से अलग है, क्या USPs हैं आपकी कंपनी की? देखिए हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री बडिंग होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन होता है। बट क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी ऑन्टरप्रनोर्स, हम पहले से ऑन्टरप्रनोर हैं, पहले बिजनेस ओनर्स हैं, 40 साल का तजुर्बा लाते हैं इसको इस इंडस्ट्री के साथ। हम लोग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको पाँच छः जो एकदम क्रिटिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो हम अपने फ्रेंचाइज को या अपने न्यू एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स को हम पहुंचाते हैं। मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मैन पावर हायरिंग हो गया, इवन मार्केटिंग सपोर्ट और हैंड होल्डिंग जो होती है बिजनेस सेटअप में, लोकेशन फाइनलाइजेशन से लेके लोकेशन को लाइव कराने तक हम पूरा सपोर्ट देते हैं। और मार्केटिंग के माध्यम से हम कस्टमर को भी डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए, और उसको पूरा पूरा सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बारी सुना ही होगा कि पहले साल में मेक और ब्रेक होता है बिजनेस का। हाँ जी। तो कोई भी एक मेंटोर मिल जाए जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसे हम अपना कंपनी ऑपरेटेड सेंटर्स चला रहे हैं काफ़ी सालों से, 2016 से चला रहे हैं, 8-9 साल होने वाले हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम इमीडिएटली जो है वो एक फ्रेंचाइज को, एक बिजनेस, नए बिजनेस ओनर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेज आते हैं। तो आपने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आए होंगे, तो कुछ ऐसे चैलेंज आप साझा कर सकें हमारे दर्शकों से, और किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया, या फिर जब कोई नया बिजनेस शुरू करेगा कार डिटेलिंग का, उसको क्या चैलेंज आ सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज आता है, मैं मतलब अगर मैं एक ले पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जो नया बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले उसको मन में सवाल आएगा कि ये काम होना कहाँ चाहिए, क्या मेरा रेंटल होना चाहिए, या क्या मेरी जगह होनी चाहिए, कितना स्क्वायर फुटेज चाहिए होता है मेरे को इस काम के लिए। तो ये चैलेंजेस हमने भी फेस किए थे। शुरुआत में हमने जो है वो थोड़ा कम स्पेस से शुरू करके फिर एक्सपेंड किया, तो आज की रेट में हमारे को पता है कि भाई हाँ, ये लर्निंग करने के बाद हमारे को पता है कि इतना बेयर मिनिमम, मान लीजिए कि 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट हमारे को चाहिए इस काम के लिए चाहिए, और वो एक्सेसिबल होना चाहिए, गाड़ी से कहीं दूर नहीं होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे को बाधा आई। और मैं आज तो डिटेलिंग इंडस्ट्री अलग है, जब कस्टमर ऑलरेडी जो है वो एजुकेटेड है, कस्टमर जानता है इन चीज़ों के बारे में। पर जब हमने शुरू किया था तो हमारे को बिल्कुल ही जीरो से कस्टमर को भी समझाना पड़ता था। मार्केटिंग जो हम मार्केटिंग के अलावा जब कस्टमर की इंक्वायरी आई कि मैं क्यों करवाऊँ, तो उसको हमें जीरो से समझाना पड़ता था और पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। मैन पावर एक क्रिटिकल चैलेंज है। जब हमने शुरू किया था तब किसी को ये काम नहीं आता था, तो हमने जो है वो खुद ही सीखा, मैंने खुद सीखा, और इसके लिए फिर हमने मैन पावर की ट्रेनिंग करी। आज हमारे पास जो है वो स्किल्ड डिटेलर्स हैं, स्किल्ड जो है मैन पावर है, जो काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी भी हुई है और काफ़ी सालों से काम भी कर रही है, एंड आगे भी हम वही ट्रेनिंग हम अपने फ्रेंचाइज को भी देते हैं।
और मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं जो हमने लेट से वर्ड ऑफ माउथ से शुरू किया था, तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग गूगल फेसबुक इन सब का जो है वो ज़्यादा चलन है और रीच ज़्यादा है, जो दर्शक है या फिर कस्टमर है वो इन चैनल्स पे ज़्यादा अवेलेबल है रादर देन कि ट्रेडिशनल चैनल जो आपका न्यूज़पेपर और पैम्फलेट एडवर्टाइजिंग वगैरह से होता है। तो आपको भी अपनी इंडस्ट्री में मार्केटिंग का इम्पैक्ट चेंज करना पड़ा होगा, क्योंकि आज के समय में हर कोई गूगल पर आपके रिव्यू चेक करता है, गूगल पर आपके वीडियो चेक करता है और अलग अलग तरीके से आपकी कंपनी की पूरी जानकारी गूगल पर ले लेता है। तो आप जब किसी को फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो आप उनके लिए मार्केटिंग प्लान कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप उनके मार्केटिंग में उनको गाइड करते हैं कि मार्केटिंग क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर हम गाइड ही नहीं करते हैं, जो हमने सीखा है इतने सालों में, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कह सकता हूँ, एक स्टोरी बता सकता हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम से सख्त नफरत थी एक टाइम पे, मेरे को इंस्टाग्राम से सख्त नफरत थी क्योंकि बहुत टाइम खाता था लोगों का, तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ था, तो मैंने जो है वो इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ था, तो मेरे को पता भी नहीं था क्या चलता है, कहता पता नहीं था, तो मैं अपनी टीम को भी नहीं गाइड कर पाता था। हाँ जी। तो जब मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली जो बिजनेस है और जो यूथ है जो ये काम कर रहा है करवा रहा है, जब हमने रियलाइज किया ये, तो हमने इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत अग्रेसिवली शुरू करी, इनफैक्ट जितनी हम अग्रेसिवली फेसबुक पे या गूगल पे करते हैं तो हमने शुरू करी। और जैसे आपने बोला सबसे पहला स्टेप तो होता है कि भाई गूगल में लिस्टिंग कराना। हाँ। तो एक हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उसके पास एक चेकलिस्ट है, जब भी नया लोकेशन या नया स्टोर हमारा लाइव होता है तो उसकी किस तरीके से फोटोग्राफी करके उसको पब्लिश करना, उसकी लोकेशन वेरीफाई कराना, उसका पेज बनाना, उस पेज के ऊपर कंटेंट डालना सो दैट कस्टमर को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप हमारा विधि है। हम सिर्फ फ्रेंचाइज को एडवाइज ही नहीं करते, इनफैक्ट हम ये उसके लिए करके देते हैं, हैंड होल्डिंग पूरी रहती है, पूरी हैंड होल्डिंग रहती है। अच्छा, एक कोई भी जब आपकी फ्रेंचाइजी खुलती है, जब ब्रांड्स खुलते हैं आपके जगह जगह पर, तो लोगों को क्या रहता है कि प्रोडक्ट पर कोई वारंटी या गारंटी मिलती है कि नहीं मिलती है? क्योंकि अगर आपकी कंपनी किसी प्रोडक्ट पर कोई सर्विस वारंटी दे रही है या प्रोडक्ट वारंटी दे रही है तो ट्रस्ट लोगों का बढ़ जाता है। तो आपकी भी कंपनी कोई वारंटी या गारंटी देती है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर? इस सवाल पे हम वो पिछले वाले सवाल पे चले जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे हैं और किस तरीके से हम उनको हमने चूज किया। तो जैसे सेरामिक कोटिंग और डिटेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं और बहुत, मैं आपको बता रहा था खारे पानी के लिए कुछ इस्तेमाल होता है, सेरामिक कोटिंग अलग अलग वैरायटी की आती है। तो हमने एक ब्रांड 2018 में इंडिया में लॉन्च किया था, वो है आईजीएल कोटिंग्स और ये उस समय में जो इंडिया में हम 37th कंट्री थी, हमने पैन इंडिया उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी, बट 37th कंट्री होने के बाद इवन कोविड के बाद पिछले 5 साल में जो है वो कंपनी 62 कंट्रीज प्लस में हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छा पार्टनर चूज किया, बट हमारा जो चॉइस का रीजन था वो ये था कि एक ही ब्रांड में आपको 1 साल वारंटी, 2 साल वारंटी, 3 साल, 4 साल, 5 साल वारंटी अलग अलग प्रोडक्ट बट एक ही ब्रांड में मिल रहा था। उसके अलावा बम्पर टू बम्पर जो गाड़ी कार केयर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक पार्ट है, क्रोम पार्ट है, अलॉय व्हील पार्ट है, टफन ग्लास है, हेडलाइट है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, इन सब के लिए स्पेसिफिक केमिस्ट्री उनके पास अवेलेबल थी, एक सोल्यूशन अवेलेबल था उस टाइम पे भी और वो आज भी इजाद कर रहे हैं, एंटी रस्ट कोटिंग, एंटी वाइब्रेशन कोटिंग, जो सिर्फ कार केयर में नहीं और मरीन एविएशन और अदर इंडस्ट्रीज में भी हम उसको प्रमोट करते हैं। तो अब इसके अलावा जैसे सिक्योरा पीपीएफ है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की हमने बात करी, सिक्योरा पीपीएफ है उनके साथ भी हमारा टाई अप है जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं 3 साल से लेके 7 साल तक के वारंटी वाले। लुमार पीपीएफ एक ईस्टमैन का ब्रांड है जो यूएसए में बनता है, उनके साथ हमारा एप्लीकेशन टाई अप है जो हम अपने फ्रेंचाइज को भी प्रोवाइड कराते हैं, वो अप टू 12 ईयर्स वारंटी तक की फिल्म प्रोवाइड करते हैं। ओके। जाहिर सी बात है 12 साल की वारंटी है, अल्ट्रा प्रीमियम फिल्म है, बट उसकी केमिस्ट्री, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी वारंटी, उसकी टेस्टिंग UVA UVB ये जो अग्रेसिव टेस्टिंग होती है, सॉल्ट फ्री टेस्टिंग, ये सारी प्रोडक्ट जो है उसके थ्रू गुजर के वारंटी उनकी क्रिएट होती है। कार्स तो पूरी इंडिया में गांव में भी बिक रही है, शहर में भी बिक रही है, हर जगह कार सेल हो रही है और कार लवर्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन से मार्केट में ज़्यादा फिट होता है? क्या ये रूरल मार्केट में फिट होगा, टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी, कहाँ पर ये आपका जो बिजनेस है बेस्ट फिट होता है? देखिए डॉक्टर साहब,
बिजनेस की एक अपनी आरओआई होती है और आरओआई को निकालने के लिए हमारा सुझाव यह है कि टीयर वन और टीयर टू सिटीज में आपको क्लाइंटेल आपको टीयर थ्री में मिल जाएगा, हाँ। पर टीयर वन टीयर टू में आपको आरओआई जो है आसानी से निकल जाएगी, अच्छी से मिल जाएगी। आप बैठे कस्टमर का वेट नहीं करते रहोगे क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी भी एक चीज है इसके बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो टीयर थ्री सिटीज में शायद वो महंगी गाड़ियां कम होंगी, शौकीन लोग होंगे पर महंगी गाड़ियां कम होंगी, और ऐसे कस्टमर जो हैं वो फिर टीयर टू सिटी या टीयर वन सिटी नियर बाय को ट्रैवल कर जाते हैं ये इस तरीके की सेवा लेने के लिए। तो ये सवाल हमारी बिल्कुल, ये सवाल पूछने का स्पेसिफिक मकसद ये था कि आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे होंगे, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली कार डिटेलिंग कंपनी में जाते हैं या कार केयर इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो आपको टायर टू या टायर वन सिटी में करना चाहिए। वहां पर नंबर ऑफ कार्स भी ज्यादा है और लोगों को पता भी है कि उस कार को केयर करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। आप जब रूरल में जाएंगे कार तो होगी लेकिन उस कार के ऊपर स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की कम होती है या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो उसके ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, और ऐसे लोग आसपास जो भी शहर लगता है जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं और वहां पर जाकर भी एक्टिव कार डिटेलिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी मिलेगी कैसे और फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या आएगी और आप प्रॉफिट कितना कमा लोगे इस बिजनेस को करके, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि आज आपके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सर यहां पर मैं अब फ्रेंचाइजी रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि हमारे दर्शक जब भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि कोई कोई बिजनेस की जानकारी मिलने वाली है। हमने बिजनेस के बारे में काफी कुछ बताया, अब स्पेसिफिक सवाल होंगे एक्टिव कार डिटेलिंग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उनकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितनी जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसमें जगह जो है 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए होती है। गाड़ी का काम है, जाहिर सी बात है थोड़ी जगह खुली होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने वाइड फ्रंटेज वाला जैसे बोलते हैं, जैसे माथा चौड़ा वाली प्रॉपर्टी हो तो उतना ही बेटर रहेगा क्योंकि व्हीकल को अंदर आना जाना जो है वो आसान रहता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट 30 लाख के आसपास आ जाती है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी को जो है वो कल्टिवेट करना या डेवलप करना भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि 30 लाख रुपए से इस बिजनेस को आदमी शुरू कर सकता है और अगर चाहे तो आगे आप इसको जितना बड़ा बनाना है, आप जितनी बड़े स्क्वायर फीट में खोलेंगे, जितने बड़े इलाके में खोलेंगे, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। जब आप 1-to-1 मिलेंगे तब आपको इसके बारे में और विशेष जानकारी दे दी जाएगी। अभी हम जान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया है कि आपको ये फ्रेंचाइजी खोलनी है तो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, कंपनी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे अगर कोई आपके पास इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आता है तो। जब आप इंक्वायर करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे सर करेंगे, तो जब आप इंक्वायर करेंगे तो हमारी तरफ से जो है एक टेलीफोनिक इंक्वायरी जाएगी आपको और हम वहीं से आपका स्टेप शुरू कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को आगे ले जाने में, जो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसमें जो हम समझते हैं कि 12-18 महीने की आरओआई निकल आती है, तो स्टेप वन यही रहता है कि आपकी लोकेशन फाइनलाइजेशन में हम स्टेप वन लेते हैं। उसके बाद जब आपकी लोकेशन फाइनलाइज हो जाती है उसके हम उसका आर्किटेक्चरल सेटअप और लेआउट करते हैं। आपके हैंड होल्डिंग रहती है, वेंडर फाइनलाइजेशन, जो आप एरिया को डेवलप करने के लिए वेंडर्स खोजेंगे वो हम आपको लोकल वेंडर्स खोज के देंगे, उनके साथ रेट नेगोशिएशन आपकी कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके बाद जो है वो जो मशीनरी है, मशीनरी हम प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और सिर्फ मशीनरी प्रोवाइड नहीं करते, उसके साथ इंस्टॉलेशन और सर्विस सपोर्ट भी रहता है लंबे समय तक, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो इसकी एवरेज लाइफ जो है वो 10-12 साल और ये लंबे समय वाला बिजनेस है। तो हम चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट जो फ्रेंचाइजी है वो हमारे साथ 5 साल तक तो जुड़े। इसके बाद हम जिसकी जैसे हमने मार्केटिंग की बात करी तो मार्केटिंग चेकलिस्ट शुरू हो जाती है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे मैन पावर हायरिंग ट्रेनिंग ये सब कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट दी जाती है। हायरिंग फाइनल आपका कॉल होता है, लेकिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना वो हमारे पास एचआर टीम है उसके लिए भी, और जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो ऑनसाइट होती है, आपकी पूरी डिटेल ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो है वो आपके मैनेजर के लिए या फ्रेंचाइज ओनर के लिए एक सेल्स ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हम पूरा आरओआई वगैरह समझाते हैं ऑन ईच एंड एवरी सर्विस, बिकॉज हर सर्विस पे अपना एक डिफरेंट आरओआई है, और हमारा जो बास्केट ऑफ सर्विसेज है दैट इज़ अराउंड 42 सर्विसेज, जिसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, डिटेलिंग, पॉलिशिंग, रबिंग, वैक्सिंग,
सिरामिक कोटिंग मैंने जैसे बताया 5 साल तक जाती है, फिल्म भी आपकी 5 तरीके की है 5-12 साल तक जाती है, तो हर चीज़ के लिए अपना डिफरेंट आरओआई रहता है। और बैकएंड पे हमारा जो मार्केटिंग सपोर्ट है वो आपको हमेशा गाइड करता रहता है, हमारा फ्रेंचाइज कोऑर्डिनेटर है वो भी आपको सपोर्ट करता रहता है, जिसमें आपका रेगुलर रॉ मटेरियल वगैरह आना जाना जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। हम अपनी तरफ से रॉयल्टी नहीं लेते हैं, देयर इज अ मिनिमल सपोर्ट फी जो हम आपको मार्केटिंग लाइफ लॉन्ग मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए एक मिनिमल सपोर्ट फी होती है, और प्लस हमारा प्रोडक्ट सप्लाई होता है आपको, रॉ मटेरियल सप्लाई होता है। मतलब हर तरीके से आप जो आपके फ्रेंचाइजी लेगा पूरा पूरा सपोर्ट रहता है उनको बिजनेस स्टार्ट करवाने से लेकर उनके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने तक। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब कोई नया कार डिटेलिंग शोरूम खोल रहा है, कार डिटेलिंग का बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कितने समय में वो अपने ब्रेक इवन को टच कर लेता है, कितने समय में वो वेरिएबल कॉस्ट को अपना कवर करना शुरू कर देता है? हम कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हम उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो जानते हैं, तो हमने अगर जो हमने एक्स अमाउंट लगाया है तो कार डिटेलिंग बिजनेस में मैं समझता हूँ कि 12 से 18 महीने का आपका ब्रेक इवन या आरओआई रिटर्न आ जाता है उसके बाद फिर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि खर्चे कब से उसके पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि पहला महीना लॉस में चल रहा है, दूसरा महीना लॉस में चल रहा है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस के साथ होता है कि वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके बिजनेस में जो उनके रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कब से मेट होना शुरू हो जाते हैं? 2 से 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर में आपका सारी चीज सेटल हो जाती है। पहले क्वार्टर से आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो? जी बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3 महीने का जो वर्किंग कैपिटल है वो एक्स्ट्रा लेके चलना है, और उसके अलावा आप यकीन मानिए जो बिजनेस है इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल भी यहाँ ले लेते हैं कि जैसे कि हम बात करें फूड इंडस्ट्री में, वहाँ पर 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंटेज का होता है? एक्चुअली अगर मैं हमारा बास्केट ऑफ सर्विसेज जो हमने मैंने बताया कि भाई 42 हमारी सर्विसेज हैं उसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 3 में डिवाइड हो जाती है, एक बेसिक वॉशिंग एंड डिटेलिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर आपका सिरेमिक कोटिंग, और तीसरी जो है वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। इन तीनों में प्रॉफिट मार्जिन वेरिएबल है, एवरेज निकल के जो आपका आता है वो 35-40% ही आता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप के हिसाब से, अगर लीज पे है तो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर आप ओनरशिप पे है तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे वॉशिंग और डिटेलिंग सर्विसेज है उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट काफ़ी कम होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर कॉस्ट ज़्यादा होती है, फिर भी आपका प्रॉफिट ऑन द हायर साइड रहता है। ये एक आपका रनिंग डे टू डे वाला बिजनेस प्रोवाइड करता है आपको वॉशिंग, कार वॉशिंग, डिटेलिंग, क्योंकि इसमें टिकट साइज़ आपका कम होता है, 500-2000 रुपये तक का टिकट साइज़ होता है, तो बंदा फ्रीक्वेंटली करवाता रहता है इसको। इसके बाद सिरेमिक कोटिंग बंदा जो है वो 2-4 साल एक बार कराएगा, या पीपीएफ भी हो सकता है कि आपके पास धीरे धीरे करके आए, बट उसी सिरेमिक कोटिंग के कस्टमर की या पीपीएफ के कस्टमर की गाड़ी आपके पास नॉर्मल वॉशिंग, डिटेलिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए आती रहेगी, क्योंकि ये एक रेगुलर चीज़ है। जैसे हम अपना घर डेली बेस पे क्लीन कराते हैं और मंथली बेस पे डीप क्लीन भी कराते हैं, या अपना दिवाली की दिवाली बिल्कुल पूरा सवाल दिवाली तो एक बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया था, बहुत ही डीप क्लीनिंग करते हैं, बट उसके अलावा भी लोग जो है वो दिवाली में तो लोग पताई वगैरह भी कराते हैं, राइट? बिल्कुल। तो वो एक हमारा चला आ रहा है कि दिवाली से पहले करानी करानी है, नए कपड़े और नया घर नया पेंट। तो उसके अलावा जो है एक रेगुलर उसमें भी ये रहता है, जैसे बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद जो है एसी में स्मेल आती है, तो एसी डिसइंफेक्शन एक रेगुलर सर्विस बन जाती है, बारिशों में रस्ट वगैरह की भी संभावना बढ़ जाती है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि उस टाइम पे एटलीस्ट एक एंटी रस्ट ट्रीटमेंट करा लें, बारिशों के बाद ड्राई क्लीनिंग करा लें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और नॉर्मल वॉशिंग तो आपका एक रेगुलर फीचर है ही है। ठीक है, अभी आपकी फ्रेंचाइजीज कहाँ कहाँ पर हैं? सर हम दिल्ली एनसीआर में हैं प्रेजेंट ऑलरेडी, कोकोज भी हैं हमारे फ्रेंचाइजीज भी हैं, हरियाणा में है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और नोएडा गाजियाबाद तो है ही। अपकमिंग हमारी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो मुंबई में आ रही हैं, लखनऊ में आ रही हैं, रायपुर इज़ ऑलरेडी लाइव, तो इन स्टेट्स में हमने जो है वो ऑलरेडी फ्रेंचाइज दे दिया। तो दोस्तों बेसिकली हमने आपको बताया आज कार रिटेलिंग और कार केयर बिजनेस के बारे में, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। करण थापर जी जो पिछले कई सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं आपको एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगे, आप बातचीत कर सकते हैं, आप इनके शोरूम विजिट भी कर सकते हैं और अपनी कार की भी केयर आप इनसे करवा सकते हैं, और फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है। सर जो आप फ्रेंचाइजीज अलग अलग शहरों में लोगों को दे रहे हैं,
तो आपका भी कुछ मापदंड है ऐसा कि मुझे किसको फ्रेंचाइजी देनी है किसको नहीं देनी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने गलत लोकेशन चूज कर ली और गलत पर्सन चूज कर लिया, उस केस में हो सकता है कि आपका ब्रांड मिसप्लेस्ड हो जाए, गलत जगह पर प्लेस हो जाए। तो इसके लिए भी आपने कोई चेकलिस्ट बनाई है सर? हाँ, जब हमारा फ्रेंचाइज जो फ्रेंचाइज अप्रूवल चेकलिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक अप्रूवल प्रोसेस शुरू हो जाता है। खासकर ये तब होता है जब फ्रेंचाइज पार्टनर जो अप्लाई करता है वो अपनी प्रॉपर्टी प्रेफर कर रहा होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी शायद इस काम के लिए वायबल ना हो। तो इस केस में जो है फिर हमारे को मना करना पड़ता है हमारे लेट्स से फैंस को जो हमारे फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या हमारे प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर्स को, हमें मना करना पड़ता है। या फिर अगर हम उनसे बैठ के बात करते हैं तो कई बार वो समझ भी जाते हैं कि हाँ, हम एक ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है उनके पास, बट एक ऑल्टरनेटिव लोकेशन हम लीज पे ले लें इस काम के लिए। तो हाँ, देयर इज अ प्रॉपर चेकलिस्ट जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारा फ्रेंचाइज पार्टनर है वो ऑटो एंथुजियास्ट हो, जो इस काम की कदर करता हो, सो दैट कल को ये ना हो कि वो इस काम से टोटली डिटैच रहे। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रेंचाइज पार्टनर जो क्वालिटी बैठ के वहाँ पे ब्रिंग टू द टेबल कर सकता है वो कोई और बंदा नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये सिर्फ कार रिटेलिंग या कार केयर के बिजनेस में नहीं है, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपका अगर पैशन नहीं है, अगर आप अपना समय नहीं देंगे और गलत लोकेशन पे अगर आपने उस बिजनेस को शुरू कर लिया तो वहां पर आप अच्छा से अच्छा ब्रांड भी खोलेंगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसा पिछले दिनों कई सारे ब्रांड्स के साथ हुआ भी है। ब्रांड सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से रन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप एक बार जिस कंपनी के साथ इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं आप अपनी लोकेशन चेकअप करवाएं, आप उनसे पूरी जानकारी लें और आप देखें कि उस प्रॉपर बिजनेस के लिए आप बने हैं नहीं बने हैं। कंपनी तो आपको जरूर चेक करके देगी, लेकिन आपको भी अपना मापदंड पूरा खुद से भी देखना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर, आपने बात की ग्राहकों के बारे में, जो लोग आपके स्टोर पर आते हैं, आपके शोरूम पर आते हैं, अपने कार डिटेलिंग या कार वॉश या कार के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करवाते हैं, आप किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक आपने सर्विसेज दी होंगी, कुछ मैं टेस्टिमनी भी जानना चाहूंगा और आपकी कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे काम करती है इसके बारे में बताएं। देखिए, आज की डेट में आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर जो है वो अपना वैल्यू फॉर मनी चाहता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे, और प्लस हमारे इतने सारे स्टोर्स हैं, सबसे पहली बात ये है कि इतने सारे स्टोर्स हैं तो प्रोसेस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रोसेस में हमारी 42 सर्विसेज हैं, हर सर्विस के लिए एक चेकलिस्ट बनी हुई है, उसकी एक क्वालिटी चेकलिस्ट भी बनी हुई है और एक कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म भी है। एट द एंड ऑफ द सर्विस कस्टमर फीडबैक जो है वो फिजिकली स्टोर पे भी दे सकता है और कॉलिंग के माध्यम से हमारा रूटीन फीडबैक कॉल भी होता है जिससे हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आई है, और अगर वो हम एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को तो हम उस पर्टिकुलर चेकलिस्ट को अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइव प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी को करना भी चाहिए, एक प्रोसेस फॉलोइंग कंपनी को करना भी चाहिए, हम भी करते हैं इसका। कुछ कस्टमर टेस्टिमनी का भी बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज तक आपसे अपनी कार को सवारा है, कार को बचाया है, कार क्लीनिंग डिटेलिंग करवाई है, तो कुछ ऐसी टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहेंगे किसी ग्राहक की? तो हमारे पास एक ग्राहक आए थे जो जिनके ऑफिस में टाटा हेक्सा थी नहीं, अच्छा, और ऑफिस के नीचे पार्क थी, तो ऑफिस की बिल्डिंग में काफी ऊंची बिल्डिंग थी, पेंट चल रहा था, तो पूरी गाड़ी पे जो है वो पेंट उनका गिर गया और वो बहुत ही भद्दा लग रहा था, बहुत परेशान थे, गाड़ी हार्डली कुछ महीने पुरानी थी। तो क्लाइंट ने जो है वो हमें कांटेक्ट किया और स्पेसिफिकली फिर वो जो है वो हमने उनको पूरा सोल्यूशन दिया, उसका ट्रीटमेंट करके दिया विदाउट डिस्ट्रॉइंग दी ओरिजिनल पेंट। जो ओरिजिनल पेंट गाड़ी का जो कंपनी से होके आता है वो एक बहुत बढ़िया पेंट होता है, उसको हार्म किए बगैर हमने गाड़ी को प्रोटेक्ट किया और उस पर फिर हमने उनको आगे के लिए सिरामिक कोटिंग भी करके दी, बहुत खुश थे वो। ऐसे कई सारे क्लाइंट हैं जो हमारे गूगल पे रिव्यूज़ भी डालते हैं, गूगल जो हमारा गूगल पेज है उस पे रिव्यूज़ भी डालते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, फोटोग्राफ्स भी शेयर करते हैं। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा साधन बन गया है किसी भी बिजनेस को अच्छा करने के लिए, अपने ग्राहकों को समझने के लिए और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सर, कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे इससे रिलेटेड? तो इसमें मेरी एक और
लेट्स से एक एक हमारा जो मापदंड होता है इन्वेस्टिंग पार्टनर या फ्रेंचाइज पार्टनर के लिए, बहुत बार ये होता है कि लोग इंक्वायरी करते हैं एक पर्टिकुलर फिगर देख के और फिर वो नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं कि जी हम ये कम कर लेंगे, हम वो ज्यादा कर लेंगे, बट एक्चुअली क्या है कि जो गाड़ी है वो चार पहिए भी चलनी है, नेगोशिएट करके एक पहिया कम करके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही आएगी रनिंग में। तो वही बिजनेस का भी वही रहता है कि भाई एक अगर मिनिमम रिक्वेस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम उसको थोड़ा प्लस में लेके चले, जब हम पैसा आपका है अभी को वापस आएगा बट आप इन्वेस्टमेंट प्लस में लेके चले सो दैट आपका जो बिजनेस की जो स्टार्ट है, जो धक्का है, जो रॉकेट है, उसको एक अच्छा स्टार्ट मिले। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जब आप करण जी के साथ जुड़ेंगे, इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे, तो ना कि आपको एक बिजनेस मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छा मेंटर भी मिलेगा जो आपको बिजनेस की हैंड होल्डिंग भी करेगा। तो सर लास्टली, जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, ना कि कार केयर या कोई भी बिजनेस, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं कार केयर के बारे में ही बताना चाहूंगा कि ये एक अच्छी यंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मार्केट कैप की हमने बात करी, ऑलरेडी जो है 20,000 से 30,000 करोड़ पहुंच चुकी है, चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर ले लीजिए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले लीजिए, उसमें भी जो है वो काफ़ी नंबर्स हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 300-400 स्टोर्स ऑलरेडी हैं ऑल ओवर इंडिया। इंडिया एक अच्छी कंट्री है, बड़ी कंट्री है जिसमें स्पेंडिंग कैपेसिटी है और शौक भी है, आज की डेट में जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें क्योंकि गाड़ियों की तादाद भी डेली बेसिस पे बढ़ रही है, जो 10,000 डिलीवर हो रही है डेली बेसिस पे, उसके अलावा जो पिछले साल में जो है वो लाखों गाड़ियां डिलीवर हुई हैं, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसमें भी बहुत जो है वो आनंद आता है। मैं कहूँगा कार डिटेलिंग एक बहुत सेटिस्फाइंग बिजनेस है, जब आप बिफोर एंड आफ्टर देते हो, देखते हो और खुद करके देते हो, और जब आप कस्टमर आपके उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है तो बहुत आपको अच्छा लगता है। बाकी जो मैं बर्निंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम निकाली है, उसके अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप जो है वो SME स्कीम में अप्लाई कीजिए, स्टार्टअप स्कीम में अप्लाई कीजिए। एक बिजनेस जब आप शुरू करते हैं उसको आप पेशेंटली उसको टाइम दीजिए ग्रो करने का, एक मेंटर साथ में रखिए, बिल्कुल पॉसिबल है सक्सीड करना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि डरते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज हैं आपको हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आपको हेल्प करके आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। सो टेक दैट स्टेप, आप अपने में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, जिस जो पार्टनर आप चूज़ करते हैं उसमें विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी लोगों को, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे इन्वेंटा कार केयर से इनके फाउंडर एंड डायरेक्टर करण थापर जी, जिन्होंने आपको बताया किस तरीके से इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, किस तरीके से आज ये अलग अलग शहरों में लोगों की कार केयर और कार डिटेलिंग कर रहे हैं। तो आप भी अपने शहर में इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर और फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत।